देख रहे हो ये रूल्स हैं। अच्छा रूल्स हैं, इनके रूल्स हैं कि इस घर में रहने के रूल्स, इस घर में रहने के रूल्स। और गाइस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चारों तरफ कैमरे कैमरे लगे पड़े। ये देखो यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे कैमरा, उधर कैमरा, इधर कैमरा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस हम हैं मुंबई में और मैं सुबह सुबह मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, बिकॉज अभी हमको जाना है प्लेग्राउंड के सेट पे। जो प्लेग्राउंड सुबह मिनी टीवी पे आता है उसके सेट पे जाएंगे। बिहाइंड द सीन आपको दिखाऊं किस तरह का सेट है पूरा, किस तरह से वहाँ पे सब शूटिंग होती है। मैं तो रेडी हो गया लेकिन पीयूष अभी तक उठा भी नहीं है। पीयूष जी उठ जा, लेट हो रहे। फिर मैंने नहा भी लिया, उठ जा भाई। तो आज पीयूष से मैंने सेम कपड़े डाले हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। देखो व्हाइट और ब्लैक, ऊपर से व्हाइट नीचे से ब्लैक। तो भी गाइज हम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे बिकॉज लेट हो चुके हैं ना, तो वहीं पे कुछ खा लेंगे। वैसे ब्रेकफास्ट था यहाँ पे हमारा लेकिन लेट हो गया भाई। तो भी गाइज हमारी गाड़ी आ गई, सामान डालते हो चलते हैं। मुझे ही खोलना पड़ता है इसके लिए। जय बजरंग बली। तो आज हम जाएंगे अंकल जी के साथ में। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। पहुंचने वाले गाइज, ये देखो सारी वैनिटीज। तो हमको मिली यहाँ पे वैनिटी। पीयूष ये हमारी वैनिटी है। हाँ सारी लाइट्स ऑन कर दे, सारी लाइट्स, हाँ जगमगा दे पूरा, लाइट्स बहुत जरूरी है। आज पहली बार हमको वैनिटी मिली है। तो कुछ स्टेप किया देखो, यहाँ पे, यहाँ पे मिरर है, यहाँ वॉशरूम है, एसी है, बैठने के लिए सोफा है, यहाँ पे एक सोफा है। तो फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ खाएंगे पिएंगे, सुबह बिना खाए पिए आ गए थे ना, तो कुछ खाएंगे फिर चलेंगे सेट पे। तो गाइस जिनको नहीं पता ना, वहाँ पर जो सेट है उसमें घर है और वहाँ पर सारे कंटेस्टेंट रहते हैं और वहाँ पर मतलब कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पर मस्त गेम भी खेलते हो सब, तो वहाँ पर चैलेंजेस वगैरह होते रहते हैं। हाँ कोई भी देखो। तो भी गाइस मेरे कपड़े तो चेंज हो गए, ये मैंने बस ब्लू जैकेट डाल लिया। तो फिलहाल चाय आ गई, चाय पीते जल्दी से। तो जाने से पहले खाना खा लेते हैं, सुबह भी कुछ नहीं खाया था ना, चाय पे चावल रोटी सब्जी आ गई। तो हमने एक ही प्लेट ले ली, एक प्लेट में से दोनों खा लेंगे क्योंकि कम खाते हैं। तो भी गाइस आ चुका है मस्त नारियल पानी मुंबई का, ताजा ताजा। तो भी गाइस टाइम आ चुका है फाइनली घर में जाने का। तो ये गेट है, यहाँ से हम जाएंगे अंदर और पूरा हाउस टूर दूंगा आपको अच्छे से। आर्केड घर नहीं, आर्केड, तो इसको बोलेंगे हम आर्केड। हेलो हेलो, कैसे हो सर? इसको बंद रखेंगे हम लोग, देखो क्योंकि इस घर के अंदर जो आ गया वो नजारा कई बार। वाओ कैसा लग रहा है आपको ये फर्स्ट एक्सपीरियंस? अगर मैं पूछूं कैसा लग रहा है देखने में? भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है यार, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसे कुछ। पहले मिलना तो भूल ही गए यार। आप बोल रहे हो पहली बार देखा, मैं बता रहा हूँ ये तो अभी पहला ही रूम है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल है यार डेफिनेटली। सो बेसिक मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। प्लेग्राउंड जो हमारा है उसका सेकंड सीजन ही हमारा स्टार्ट हो चुका है। गेमर्स एंटरटेनर्स हर कोई एक दूसरे के साथ रहता है यहाँ पर। हर टीम में पांच टीम्स हैं, पांच मेंटर्स हैं, हर टीम में चार चार प्लेयर्स जोड़े हुए हैं। अब उन चार प्लेयर्स का क्राइटेरिया ये है कि आपको एक इंटरनेशनल प्लेयर लेना है, एक प्रो गेमर लेना है, एक फीमेल गेमर उठानी है और एक एंटरटेनर उठाना है। उस तरीके से आप उठा सकते हो प्लेयर्स। मेंटर्स आशीष, हर्ष, ये सब लोग मेंटर्स थे और पुराने स्काउट, ट्रिगर, ये सब लोग मेंटर्स थे कैरी। सो उनको अब यहीं पर रहना है पूरे घर में। और आप देख सकते हो पूरे घर के अराउंड यहाँ किचन है जो बेसिक रहता है स्टैंडर्ड ऑब्वियसली। भाई बहुत प्यारा लग रहा है यार। एंड अगर आप यहाँ करके देखो सोचो ना कितना ज्यादा बढ़िया है भाई। ये क्या है ये, इसके अंदर ये लाइट्स? हाँ ये लगाई हुई हैं, ये शीशे के नीचे लाइट्स प्रॉपर करके लगाई हुई हैं। एंड दिस जस्ट लुक्स वेरी वेरी गुड राइट। ऑब्वियसली हल्का फुल्का यहाँ पे इन्होंने अपना सामान वो कर रखा है, उसको हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है ये रूल्स हैं। अच्छा रूल्स हैं, इनके रूल्स हैं कि इस घर में रहने के रूल्स, इस घर में रहने के रूल्स हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। इनको रखा हुआ है, पता है पेनल्टीज पड़ती है अगर कोई रूल नहीं मानता तो। अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें। उसके बाद खाना वाना खाना हो वहाँ खा सकते हैं तो यहाँ खा सकते हैं आराम से। अच्छा ये डाइनिंग टेबल, प्रॉपर डाइनिंग हो गया इनके लिए, जस्ट चिल करने का जोन हो गया, लोग बैठ रहे हैं, दोस्त लोग हैं, बात कर रहे हैं सब चीजें। और गाइस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चारों तरफ कैमरे लगे पड़े हैं। चारों तरफ कैमरे, ये देखो यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे कैमरा, उधर कैमरा, इधर कैमरा। और ये देखो कैमरा आपको देखिए, और कैमरा मूव भी कर रहा है। हाय हाय, कट मत करना इसको, कट मत करना इसको। देखो कैमरा मेरे साथ में मूव करेगा। हाय इसके नीचे आ जाऊंगा, नीचे भी आ जाएगा क्या? अरे सो ये तो देखो पहला रूम हो गया राइट। अब आपको एक ऐसे रूम में लेकर के चलता हूँ जहां पर इन लोगों के साथ मैं बहुत स्ट्रिक्ट होता हूँ। ये है हमारा आर्केड भाई, यहाँ पर एक्टिविटीज करवाई जाती है इन लोगों से हर दिन, कोई ना कोई टास्क होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। आज भी टास्क करवाया था। हाँ, हाँ, वो मैंने देखा था। तो बहुत नेक्स्ट लेवल था, बहुत नेक्स्ट लेवल, जो कि इन लोगों से करवाए जाते हैं। और ये लोग यहाँ पर बैठते हैं, मैं यहाँ पर खड़ता हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मार्किंग है, मैं यहाँ पर खड़ता हूँ और मैं इन लोगों से बात कर सकता हूँ। सारे कैमरास प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं, एक नंबर चीज होती है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक बहुत बढ़िया रूम में, क्योंकि जैसे आपने इधर का रूम देखा ना, ये आप देख सकते हो कि इधर की साइड पे एक प्रॉपर रूम आता है अपने पास। Once again, वहाँ पर कास्टर्स हैं हमारे, जो गेम नीचे चलेगा लाइव, वो कास्टर्स काम यहाँ पर प्रॉपर कास्टिंग करने वाले। हाय थैंक यू। सो एक और चिलिंग जोन, आराम से यहाँ पर ये लोग बैठ सकते हैं अगर इनको बैठना हो। एंड
कुछ भी खाना पीना वो सब चीज रहती है। अभी ये लोग काम करें तो अभी अपन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आपको पता है इन सब लोगों ने अपने लिए रूम्स कैसे निकाले हैं? कैसे? इन सब के मेंटर्स को एक टास्क दिया गया था और उसके बेसिस पर जिसने सबसे ज्यादा सही तरीके से किया उसने उसको सबसे बेस्ट रूम मिला। हमारे पास 5 रूम्स हैं, उनके ऊपर मैं आपको लेके चलूंगा। चलते चलते बात करते हैं। सबसे बेस्ट रूम जो है ना उसकी फैसिलिटीज लाजवाब है। सोचो आपको सुबह एक बटलर उठाने आता है, एक बालकनी है लैविश ओशन व्यू के साथ। अच्छा ओशन। लेकिन जो सबसे खराब रूम है ना उस पूरे रूम में सिर्फ एक चार्जिंग सॉकेट है। ऑल्दो फोन्स अलाउड नहीं है लेकिन एक चार्जिंग सॉकेट सिर्फ एक चीज। और फोन्स अलाउड नहीं है? नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं है। गाइस इस घर में 20 लोग रह रहे हैं बिना फोन के, एक दूसरे से बात करनी पड़ती है बस। सो ये है हमारे थोड़े खराब रूम में से एक रूम। ये है नूब रूम। नूब रूम? हाँ। ओ भाई, नूब रूम। नूब और बॉट दो ऐसे रूम्स हैं जिसके लिए कैरी मिनाटी और स्काउट ने पुशअप कंपटीशन किया था। ओके। स्काउट ने किए थे 52 पुशअप्स और कैरी ने किए थे 47 पुशअप्स। खराब रूम जिसको मिला वो है कैरी, क्योंकि उन्होंने सबसे कम पुशअप्स किए थे। ये है एक्चुअली स्काउट भाई का रूम। लेकिन आप ये सोचो सोते सोते भी इनके ऊपर नजरें प्रॉपर बनी हुई है। एक दो कैमरे ही कैमरे भाई, कुछ भी हो जाए इनके ऊपर नजरें हैं। इनका सामान रखा हुआ है ऑब्वियसली। ओके, सबका सामान यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, और सुबह इनको अलार्म बजता है तो यहाँ से ऐसे आवाज आती है 8 बजे इनको उठना ही उठना है। अलार्म के लिए देखो गाइस, अलार्म के लिए देखो गाइस कितना बड़ा स्पीकर है यहाँ पे ये। और अगर ये लोग टाइम पे नहीं उठे तो पेनल्टीज पड़ती है, तो यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1 पेनल्टी दिखाता है। ये देखो भाई, ये देखो। अब हम जाएंगे सबसे खराब रूम में। सबसे खराब तो ये कैरी भाई का है। ये कैरी भाई का है। अच्छा, और यहाँ पर पिछले साल के विनर अयान अली रिबेल वो भी रह रहे हैं, क्योंकि वो कैरी की टीम। एग्जैक्टली, वो कैरी की टीम में थे। वो कैरी की टीम में थे और लेकिन उनको सोचो ये वाला रूम मिला है। आप देख सकते हो जो गेमर ऑफ द डे है उनके लिए भी अवार्ड्स और प्राइजेस ये सब है। ट्रॉफी भी मिलती है जो गेमर ऑफ द डे जीतता है डेली। हाँ डेली। एक बार टच करके देखो क्या बढ़िया प्यारी सी ऐसी ट्रॉफी है, एकदम प्रॉपर। ओ भाई, सो ये छोटी मोटी चीजें जो कि यहाँ पर मिलती रहती हैं। सो ये डेली मिलता है ये एक बंदे को? जी बिल्कुल, डेली 10,000 कैश। हाँ ओके। अभी तो यहाँ भी सारा सामान पड़ा हुआ है कैरी भाई के सारे प्लेयर्स का। तो यहाँ पे 4 जने सोते हैं। देखो यहाँ पे ये वाले बेड है। ये थोड़े खराब बेड है इन द सेंस कि यू नो बंकर करके आपको अपनी प्राइवेट स्पेस उतनी नहीं मिल पा रही है। चलो भाई और ऊपर चलते हैं। ट्रिगर्ड भाई के रूम का नाम है रीलोड। उसके ऊपर तो आते हैं बॉस। और सबसे बेस्ट रूम जो कि आशीष की टीम को मिला केओ क्रैकन्स को, वो है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। ओके, एनपीसी। या अगर प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं कुछ भी तो वो हो जाते हैं नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स, जो दिल की धड़कने तक सुनाई दे जाए उतना टेंस माहौल रहता है यहाँ पे। ये है सबसे बेस्ट रूम। आप सर्विसेज देख रहे हो बेस्ट रूम की। सबसे ये वॉशरूम, वॉशरूम सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी स्पेस। वो आपने देखा ना अभी सबसे खराब रूम कैसा था। यहाँ पे बेड्स भी सही है, बेड सही है। एक बटलर आता है सुबह और आप लेजिट आपके कान में प्यार से बोलता है गुड मॉर्निंग। अच्छा, बालकनी भी है? सिर्फ इस एक रूम में, सिर्फ एक रूम में बालकनी है। एक रूम में बालकनी, तो ये बालकनी है। और यहाँ से आपको, और यहाँ से मस्त मुंबई का व्यू दिखता है। देखो भाई क्या मस्त लग रहा है यार। तो ये आशीष भाई का रूम है। ये आशीष भाई और उनके लोग, आप चीजें देख रहे हो यार, मसाज करने के लिए रखा हुआ है, पैरों को मसाज देने के लिए, मतलब कोई कमी नहीं है यहाँ पर लोगों के लिए। अगर इसके लेकिन एक और रूल है बहुत अलग सा। हाँ। एक हफ्ते बाद वापस शफलिंग हो सकती है। आपने देखा जैसे सिर्फ उसमें ही बालकनी आ रही है और किसी में सब जगह बंद है। ओके, ओके। तो उसको एक प्रिविलेज है। ये है बॉस, बॉस रूम। बॉस रूम ये किसका है? ये है सेकेंड नंबर जो कि आए थे हमारे हर्ष भाई, हर्ष बेनीवाल। हाँ ओके, तो हर्ष भाई का रूम है ये। और भाई बाकी तो सब बैचलरों की तरह ही रखा हुआ है सबने सामान। सारा सामान बिखरा हुआ है। सारा सामान बिखरा हुआ जैसे रहता है। अब मम्मियां है नहीं कि साफ करें या ठीक करें, राइट? तो खुद ही करना पड़ता है सब सामान। आपको खुद करना है। खाना वाना? खाना आपको नीचे वहाँ किचन के अंदर कोई एक इंसान आता है, वो चीजें रख देता है और चले जाता है। ये है बीच का रूम विच इज रीलोड। रीलोड ये एग्जैक्टली बंकर बेड नहीं है, बस एक थोड़ा सा ऊपर है एक नीचे है, बट डिफरेंट डायरेक्शन में। बट आप एक चीज सोचो, अगर इन लोगों को फोन अगर हम अभी दे दें, फोन में ही लग जाएंगे, राइट? हाँ। एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे नहीं। ओके, ओके। वो वाली सिनर्जी नहीं बढ़ाएंगे जो गेमर्स को चाहिए होती है। ओके, ओके। तो इसीलिए इन लोगों से फोन ले लिए ताकि आपस में बैठे बात करें, प्लानिंग बनाए, स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि अगले जो 25-26 दिन है ना, उन 25-26 दिनों के अंदर इनको अपना सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है कुछ भी करके। फोन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जो ये है यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ा तो क्या है फोन। पूरे घर में कितने कैमरे होंगे? पूरे घर में हमारे पास हैं लगभग 90 से ऊपर कैमरे। 90 से ऊपर कैमरे भाई, 24 घंटे कैमरे ऑन रहते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड होता है, जो भी वो कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो वो आपको शो में देखने को मिलेगा। Amazon मिनी टीवी पे जाके देखना। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, यहाँ से हम अंदर घुसे थे और अभी भी सारे कैमरे ऑन है। अभी ये सब मुझे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं,
तो आप मेरे को भी देख सकते हो शो में। आप बताओ आपको कैसा लगा पूरा पूरा हाउस टूर देख करके? मेरे को तो बहुत बहुत बेस्ट लगा यार। अभी सभी गए हैं नीचे गेम खेलने के लिए, तो अभी सभी गेम खेल रहे हैं, सब लाइव हैं। काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आप भी देखना गाइस शो को। तो आपको मैं बाहर का रास्ता यहाँ पर बताता हूँ, यही जहाँ से आए थे वही वहां से जाना है। मैं थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ, आप ओके बाय 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 थैंक यू। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं आर्केड से, तो चलो अब चलते हैं अपनी वैनिटी में और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर चलेंगे सीधा यहाँ से हम दिल्ली। थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट है। पीयूषी मैं तो होया, बहुत प्यारा घर था भाई। पीयूष के लिए बुरा लग रहा है बिकॉज पीयूष नहीं जा पाया, बिकॉज ये अभी अंडर एज है ना, तो वहाँ पे अलाउड नहीं है अभी। अभी छोटा है ना इसलिए वहाँ पे अलाउड नहीं था, बिकॉज वो रियलिटी शो है, तो रियलिटी शो है तो वहाँ पे रियलिटी शो में दिखा नहीं सकते ना बच्चों को भी। बाय बाय वैनिटी, चलो सारा सामान डालते हैं, चलते सीधा एयरपोर्ट। जय बजरंग बली। हमारे अंकल जी बहुत स्वीट है। पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, देखो कितना मस्त लग रहा है भाई। आज तो बहुत थक गया हूँ यार, और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है बिकॉज दिन में खाया था, और अभी देखो टाइम देखो 8:30 हो चुके हैं। निकाल अपना आईपैड वगैरह सब निकाल। गाइस रात के 9 बज चुके हैं और हम मुंबई एयरपोर्ट पे डोल रहे हैं ऐसे दोनों भाई मस्त। तो भी गाइस पता है हमको कौन मिले? सुरेश रैना। तो हमने उनके अपने फोटो खिंचाई, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो हम ऐसे जा रहे थे, हमको दिखे, तो फिलहाल अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे सब पे। तो मैं तो खाऊंगा दाल और रोटी, तो खाना फिनिश। तो भी गाइस प्लेन में बैठ गए और अब की बार मैं विंडो सीट बैठा हूँ। तो फाइनली गाइस दिल्ली पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं यहाँ से। पारस भाई हमको लेने के लिए आए हुए हैं, तो पारस भाई के साथ में चलते हैं। पारस भाई घर पे रुकेंगे आज रात को, और फिर कल हमारा एक और इवेंट है, यूट्यूब का इवेंट है एक। अरे वो खड़ी। यस गाइस गुड मॉर्निंग। तो भी पहुंच गए गाइस पारस भाई घर पे। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो भी गाइस हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं, गाड़ी नहीं गाड़ी।